नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है जहां बाबा के साथ कई खबरों पर चर्चा करते हैं। पहली खबर है 2024 से पहले बिहार में उलट पुलट होगी। 2024 से पहले बाबा उलट पुलट की आप बात कह रहे हैं, लेकिन उसके पहले ही उलट पुलट बिहार में हो चुकी है। नीतीश कुमार तो सरकार बदल ही चुके हैं, 2-3 महीना हुआ। देखिए, ये वो बात नहीं है जिस बात की चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार सोच करके तो बहुत बड़ी बात आए थे। जी जी, वो सोच करके आए थे कि जो 2015 से 17 के बीच में नहीं कर पाए, 2019 में नहीं कर पाए, वो हम अब कर देंगे। देखिए, नीतीश कुमार अग्रसोची व्यक्ति हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। जी, जो नहीं कहते हैं वो निश्चित करते हैं। उसके बाद अंतरात्मा वगैरह भी बहुत सारा उनका जुड़ा रहता है उनके साथ। हाँ, बहुत चीज़ है। तो इन सारी बातों को लेकर के राजनीति में कहा यह जाता है कि साम दाम दंड भेद सब कुछ एकदम चलता है। और इसके साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कहा जाता है कि निश्चित नहीं होता है, अनिश्चितता का एकदम समझिए कि सबसे बड़ा पर्याय अगर कोई है तो वो सियासत है। जी, ऐसी स्थिति में 2024 की तैयारी से पहले नीतीश कुमार ने जैसे ही 2025 कहा जी और 2025 के लिए उसका नेता तय कर दिया, उसके बाद से बवाल मच गया। और ये बवाल सिर्फ और सिर्फ जिसे बनाया उसी तक नहीं थी, उनकी पार्टी के भीतर बवाल चल रहा था, जिसको उन्होंने उत्तराधिकार देने की बात कही उनके अंदर बवाल चल रहा था। अगर आपको दिल्ली जाना हो आज, तो आप आज का टिकट ना देखिएगा कि आपको 6 महीने बाद कोई कहेगा कि टिकट हम दे रहे हैं फ्री में, तो आप ले लीजिएगा। ऐसा तो होता नहीं है, जरूरी है। जब आपको जाना है आज, उनके पास राजनीति जो है, उनके पास संख्या जो है, एक तो आपने कुढ़नी में उनसे सीट ले लिया, सीट आपने गंवा दिया, ऐसे ही आपने उनको एक फेरा में डाल दिया। अब कितने दिनों तक आप उनको अपने पीछे पीछे चला सकते हैं, ये सबसे बड़ी सवाल थी। और दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी एक एक मिनट देख रही है कि क्या कुछ हो रहा है बिहार की राजनीति में। खास करके बात करें तो अमित शाह का पूरा ध्यान बिहार पर ही है, इसलिए कि अमित शाह को 2024 में नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाना है जी। और जहां जहां उन्हें हर्डल नजर आ रहा है उसको दूर करना शुरू कर चुके हैं जी। बिहार में एक स्थिति जो आ रही है, जो हम बहुत पहले बता रहे हैं, और देखिए कि बिहार के पॉलिटिक्स में और बिहार के पत्रकारिता जगत में इस बात की भी चर्चा जबरदस्त हो जाएगी जी, जी। कि भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह तैयारी शुरू कर चुके हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना। अब आपके पास सवाल होगा कि आखिर कैसे हटाएंगे, उनके पास तो आंकड़े हैं नहीं, आंकड़े नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ जाएगी नहीं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के साथ अगर जदयू के कुछ लोग आ जाए तो संभव है, या फिर भारतीय जनता पार्टी उनको बाहर से समर्थन कर दे, ऐसा भी अगर संभव नहीं होता है तो 5 लोग का इस्तीफा हो जाए, जैसा कि कई राज्यों में करवा चुकी है, हो चुका है जी, जी। तो इस्तीफा हो जाए तो क्या ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार सत्ता में बने रह सकते हैं? नहीं। बिल्कुल नहीं। और ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है, तेजस्वी यादव सत्ता में आ सकते हैं। अपने नहीं आएगी भारतीय जनता पार्टी तो नीतीश कुमार को हटाने के लिए वो भी कर सकती है जी। और इसकी संभावनाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। जिस तरह से आप देखिए कि नीतीश कुमार ने सदन में कहा है, आप लोगों ने कल देखा भी होगा, आपने खबर भी चलाई है कि नीतीश कुमार ने सदन में कहा कि वो लोग जो है ना, बहुत लोगों को अपने तरफ ले आना चाहता है। हमको पता है कौन कौन जा रहा है, कौन कौन पलट रहा है, जो खुद पलटता हो ये बात कह रहा हो तो इसका मतलब है कि उन्हें इस बात का आभास हो गया है कि उनका गठबंधन जो है वो ध्वस्त होने वाला है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध राष्ट्रीय जनता दल नहीं, नीतीश कुमार नहीं, वाम दल नहीं, सीधे कांग्रेस को सामना करना है। और कांग्रेस भी इसके लिए तैयार है कि नीतीश कुमार को अपना नेता नहीं मानेंगे जी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस भी शांत हो सकती है 2024 के लिए, 2025 का अभी से कोई तैयारी नहीं कर सकती, काठे कटर उठे तेल वाला हाल है जी। तो ऐसी स्थिति में 2024 से पहले 2023 में बिहार में बड़ा राजनीतिक उथल पुथल होने की संभावना बन रही है। और ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव अगर वक्त से पहले, नीतीश कुमार के घोषणा से पहले अगर बिहार की सत्ता में बरकरार हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नहीं तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण लग रहा है कि एक ऐसा भी हो सकता है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। जीतन राम मांझी को एक बार फिर से अलग अलग जगहों से ऑफर आ रहे हैं, महागठबंधन को छोड़ दे तो NDA गठबंधन के अलग अलग कुनबे की तरफ से उनको ऑफर दिया जा रहा है। देखिए, जीतन राम मांझी को ये नजर आ गया, जीतन राम मांझी को पहले ही नजर आ जाता है, नीतीश कुमार के साथ रहे हैं तो नीतीश कुमार के हर कल बल छल से वो परिचित हैं जी। जैसे नीतीश कुमार महागठबंधन में रहते हैं तो NDA का तारीफ करते हैं, NDA की नीतियों का समर्थन करते हैं जी। और NDA में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि महागठबंधन की नीतियों का समर्थन करते हैं। आपको उदाहरण अगर चाहिए तो आप देख लीजिए कि
सीआरबी को लेकर के, एनसीआर को लेकर के, नोटबंदी को लेकर के, ऐसे कई बातें हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के नीतियों का समर्थन कर चुके हैं। तो वहीं आपने देखा होगा कि एनडीए के साथ रह करके उन्होंने जातीय जनगणना की बात का विपक्ष ने जो आवाज उठाया उसका समर्थन करने दिल्ली तक चले गए। ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी को भी पता है कि कब क्या करना है, और जीतन राम मांझी इसको पूरी तरह से फॉलो करते हैं। उनको पता है कि सियासत में बने रहने के लिए क्या करना होता है, आपको प्रेशर पॉलिटिक्स करनी होती है, और वो प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर चुके हैं। उन्होंने पिछली बार आपने देखा कि जब एनडीए में थे तो महागठबंधन नहीं बल्कि एनडीए में नरेंद्र मोदी का अगर फोटो आ गया वो वैक्सीन वाले सर्टिफिकेट पर, बवाल किए थे। अब जो है वो है तो महागठबंधन में, लेकिन महागठबंधन नीतीश कुमार की नीतियों का वो खुल करके विरोध कर रहे हैं, शराबबंदी हो या अन्य हो। कल ही की बात हमने बताया, इससे पहले भी हमने बताया है कि नीतीश कुमार को भी इस बात का एहसास हो गया है कि वो उनके हाथ से निकल चुके हैं। जैसे 2014 में वो निकल गए थे, 2014 में आपको याद होगा कि उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, और किस कारण से नीतीश कुमार ने बनाया था ये सभी जानते हैं। लेकिन उनके रडार से मात्र 6 महीने के अंदर में वो निकल गए, और नीतीश कुमार को फिर से पलटना पड़ा अपने ही फैसले को, मुख्यमंत्री की कुर्सी से उनको हटाना पड़ा। अब जबकि सिग्नल उनको मिल चुका है, एक तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला है, और दूसरी तरफ से नीतीश कुमार ये जान गए हैं कि अब वो उनके साथ नहीं रहने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी के लिए रास्ता खुल गया है। एक सवाल लगातार उठ रहा है कि प्रशांत किशोर जो घूम रहे हैं उसका क्या असर होने वाला है, क्या नया दाव खेल रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर को अगर कहा जाए कि राजनीतिक रणनीतिकार थे, उससे राजनीति में आए हैं, तो इतना आप मान के चलिए कि एक से एक दिग्गज राजनीतिज्ञ को रहते हुए अगर प्रशांत किशोर को अपने सेवा के लिए लोग रख रहे थे तो कहीं ना कहीं उनकी काबिलियत जरूर थी। आज उस काबिलियत का ही एक जवाब आपको हम दे रहे हैं कि कुर्नी चुनाव में सारे समीकरण थे महागठबंधन के पक्ष में। आप देख लीजिए कि MY समीकरण था, उसके बाद लवकुश समीकरण था, दलित के नेता बिहार के जो बड़े नेताओं में से कहे जाते हैं जीतन राम मांझी उनके साथ थे, कुशवाहा के जो बड़े नेता कहे जाते हैं वो थे, भूमिहारों के जो बड़े नेता अपने आप को घोषित करते हैं वो उनके साथ थे, लेकिन ये सारा समीकरण ध्वस्त हो गया। जीत किसकी हुई? तो एनडीए की हुई। निश्चित रूप से जो बातें उस क्षेत्र में घूम घूम करके उससे पहले से यूँ कह रहे थे प्रशांत किशोर कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे के पास क्या शिक्षा है, क्या करने के लिए मजबूर हैं, क्यों पलायन हो रहा है बिहार में, नीतीश कुमार ने 17 साल में क्या किया। हालांकि ये नीतीश कुमार पर कोई भी हमला सीधे तौर पर करने के लिए तैयार नहीं होता है। जैसे आप देख लीजिए कि एनडीए के साथ नीतीश कुमार रहते हैं तो एनडीए के लोग चुप्पी साध लेते हैं उन्हीं मुद्दाओं पर जो जिसका विरोध कर रहे थे। महागठबंधन के साथ आते हैं तो तेजस्वी यादव करना शुरू कर देते हैं उन्हीं मुद्दाओं पर उनका समर्थन। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कहा है कि नीतीश कुमार किसी भी कीमत में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं देंगे, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार का अब दिन लद गया है। वो जितना जल्दी हमने जो कहा है कि 2023 में ही बड़ा फैसला होने वाला है, और संभावना व्यक्त की जा रही है कि खरमास खत्म होगा उसके बाद ही 14 जनवरी के बाद किसी भी दिन कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है, तो उसी बात को लेकर के प्रशांत किशोर ने भी कहा ऐसा लग रहा है कि अब नीतीश कुमार की कुर्सी जानी तय है। बिल्कुल, नीतीश कुमार की कुर्सी पर कहीं ना कहीं ग्रहण लग गया है, और एक तरफ उन्होंने जहां अपने समर्थन में लेकर के तेजस्वी यादव को फिर से स्टैंड बाय में रख दिया है, वहां तो है, उसके साथ साथ कुशवाहा का टीम भी पूरी तरह से एक्टिव हो गया है, यह भी एक बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की टीम एक्टिव है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी को लेकर नीतीश कुमार तैयार हैं, और वहीं अगर बात कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार के खिलाफ अलग अलग षड्यंत्र रच रही है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386